जो अधिकारी ये समझ रहा है कि आकाओं के कहने से नवाब मलिक डर जाएगा, नवाब मलिक किसी से डरने वाला नहीं। चोरों ने है ललकारा, मिलेगा जवाब करारा। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस तरह की गीदड़ भभकी से नवाब मलिक डरने वाला नहीं। ये लड़ाई चोरों के खिलाफ हमने छेड़ी है और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। दूसरा एक विषय बहुत गंभीर इस देश में है कि एक महिला को जो फिल्म अभिनेत्री है, केंद्र की सरकार ने उसे पद्मश्री देने का काम किया है। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आज़ादी भीख में मिली और सही आज़ादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आज़ादी 2014 में मिली, 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। वो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी उनको अपमानित करने का काम किया। गांधी जी से लेकर सभी स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने एक लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ी थी उनको अपमानित करने का काम किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज़्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज़्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करें।